welcome you all on our own channel, We Lawrence. My name is Lawrence. Today, in this video, we will know about honey buzzard. Yes, honey buzzard. दोस्तों यदि आपको जंगल में घूमते समय किसी हनी बेयर से सामना हो जाए प्लीज उससे दूर रहें क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक और हिंसक रहता है। ये बहुत ही नीडल्स जानवर रहता है। ये अपने शिकारी को जब तक मार या फिर खुद मर नहीं जाता है तब तक ये हार नहीं मानता। शिकार करने में बहुत ही माहिर है। हनी बेजर का आकार एक छोटे कुत्ते जितना बड़ा होता है। छोटा तो छोड़िए लेकिन एक बड़ा कुत्ता या भेड़िया इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हनी बेजर को लकड़बग्घो, तेंदुओं और शेरों पर भी अटैक करते हुए देखा जा सकता है। हनी बेजर इतना नीडर है कि कई सारे शेरों से भी ये भिड़ जाता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हनी बेजर के बारे में कुछ रहस्यमयी बातें सुनने में आती रहती हैं। कहा जाता है कि ये जीव कब्रिस्तान के आसपास पाया जाता है। ये दफन किए गए शवों को खोदकर खा लेता है। हनी बेजर को ये नाम शहद खाने के शौक के कारण मिला। वैसे हनी बेजर को रेटल नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में पाया जाता है। भारत में इसे बिज्जू कह के पुकारते हैं। लगभग एक फीट हनी बेजर का वजन 10 से 15 किलोग्राम का होता है। इसके पंजे 1.5 इंच लंबे तथा बेहद मजबूत होते हैं जिसकी मदद से जमीन में 20 फीट तक गड्ढा खोद सकते हैं। इसके बावजूद भी ये लोग अपने खुद के लिए घर नहीं बनाते हैं क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये बड़ी ही आसानी से गीदड़ और लोमड़ी को खदेड़ के उनके घर पे कब्जा कर लेते हैं। हनी बेजर किसी की परवाह नहीं करता है। जहरीले सांपों की भी नहीं। सांप तो इसका मुख्य भोजन है। यदि सांप को मारते समय सांप हनी बेजर को काट भी लेता है तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सांप द्वारा डसने के बाद पहले यह सांप को मारता है। सांप के जहर के कारण कुछ देर तक सुकून की नींद सो लेता है। उसके बाद उठ के सांप को खा जाता है। जहरीले से जहरीले सांपों तक कुछ देर हनी बेजर को बेहोश कर सकते हैं। मार नहीं सकता है। सांप के अलावा उस पे बेअसर है। जहर से लड़ने की अनोखी इम्यूनिटी के कारण संसार के शोध कर रहे हैं ताकि हनी बेजर का डीएनए का अध्ययन कर इससे जहर रोधक वैक्सीन तैयार की जाए जो इंसानों को भी किसी भी प्रकार के जहर से बचा पाए। हनी बेजर अचानक ही हासिल नहीं की। ये इनकी पीढ़ियों के विकास क्रम का नतीजा है। ये काबिलियत नेवलों में भी पाई जाती है। हनी बेजर की त्वचा बहुत ही मोटी होती है इसीलिए सांप का जहर इसकी त्वचा वाले परत में रह पाते हैं। त्वचा में फैला ये जहर बड़ी धीमी गति से मांसपेशियों में जा पाता है। यही वजह है हनी बेयर की इम्यूनिटी जहर के असर को नष्ट कर देती है। हनी बेजर की 20% खाने की जरूरत सांपों से ही पूरी हो जाती है। इन्हें सांपों का शिकार करना बहुत ही पसंद है क्योंकि आसान शिकार को कौन छोड़ना चाहेगा। सांपों के पास न मजबूत पंजे न मजबूत जबड़े हैं। सांपों के मामले में इसका सबसे बड़ा हथियार होता है इसका जहर और वही जहर हनी बेजर पर बेअसर है। सांपों को मार डालना हनी बेजर के लिए खेल के समान है। हनी बेजर की मोटी त्वचा सिर्फ इन्हें सांप के जहर से ही नहीं बचाती बल्कि इस कवच जैसी त्वचा के दम पर ये जंगल के राजा शेर को भी सामना कर देते हैं। बार बार काटने से शेर हनी बेजर को गंभीर चोट नहीं पहुंचा सकता। वहीं लचीले शरीर का हनी बेजर किसी योद्धा की भांति दांव पेच लगाता हुआ अपने नुकीले दांतों से शेर को काटता है। यकीन करना मुश्किल है लेकिन ये अकेला योद्धा कई सारे शेरों पर भी भारी पड़ता है। वही कम उम्र के शेरों को तो ये मार डालने में भी सक्षम है। खुद की रक्षा के लिए हनी बेजर के पास एक अनोखा हथियार भी है। जैसे ही इसका सामना किसी खतरनाक जानवर से होता है ये बहुत ही गंदी बदबू छोड़ता है। इसकी बदबू से दूसरे जीव बेचैन होने लगते हैं। वो तुरंत पीछे हटने लगते हैं। जानकारों का ये भी दावा है
कुछ हद तक हनी बेजर की त्वचा बुलेट प्रूफ भी होती है। एक साधारण चाकू और तलवारों से भी इसे नहीं मारा जा सकता। जरा इस वीडियो को देखिए, यहाँ एक सियार कछुए के खाने की कोशिश कर रहा है। बार बार उलट पलट के देख लिया, लेकिन इस सियार से खाया नहीं जा सका और ये बेजत होके निकल गया। कछुआ अपने सारे अंगों को अपनी खोल के अंदर छुपा लेता है और इसके खोल को तोड़ पाना बेहद कठिन है। खोल के अंदर कछुए को मारा नहीं जा सकता है। साथ ही इसका सामना किसी हनी बेजर के सामने हो, इसका नतीजा कुछ और ही होता है। यहाँ आप देख ही सकते होंगे कि शियार की भांति हनी बेजर भी कछुए को खाने की कोशिश कर रहा है। कछुए के अंग इसके खोल में सुरक्षित हैं, लेकिन हनी बेजर का लंबा और नोकीला मुंह उसके खोल से भी उसकी गर्दन को खींच लेता है। ये हनी बेजर इसी तरह कछुओं को मार डालता है। हनी बेजर एक सर्वाहारी जानवर है। ये लग पेड़ों की जड़ें, शहद और छिपकली को भी खा लेता है। दोस्तों, फिर भी देखा गया है कि एक मादा हनी बेजर करीब 6 महीने के गर्भकाल के बाद आमतौर पर 2 बच्चों को जन्म देती है। हनी बेजर के बच्चों के आंख और कान जन्म लेने से 15 दिनों तक बंद रहते हैं। ये पूरी तरीके से असहाय होते हैं। माँ अपने बच्चों को बारी बारी से मुंह में उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। माँ अपने बच्चे के बचाव के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये जान देकर भी अपने बच्चों की हिफाजत करती है। हालांकि हनी बेजर की जान लेना कोई आसान काम नहीं है। इस वीडियो में देखें कि कैसे ही हनी बेजर का बच्चा खेलते हुए जेब्रों के पास चला जाता है। तो कुछ जेब्रे इस हनी बेजर के बच्चे के पास आते हुए दिखाई देते हैं। हनी बेजर की तुलना में जेब्रा बहुत बड़ा जानवर है। ये लत्ती मार कर भी शेरों तक को गंभीर चोट लगा सकते हैं। लेकिन चाहे कोई जितना भी बड़ा हो, हनी बेजर किसी की भी परवाह नहीं करते। अपने बच्चे को बचाने के लिए हनी बेजर की माँ दौड़ी चली आती है। माँ इन जेब्रों से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। जब जेब्रे वहां से चले जाते हैं, तब माँ अपने बच्चे को उठाकर ले जाती है। ये हनी बेजर अपने बच्चों को इसी ढंग से उठाती है। इनके नुकीले दांत बच्चों को बिल्कुल भी जख्म नहीं करते हैं। इन हनी बेजर के बच्चों के लिए अब इनकी माँ का मुंह एक गोद के समान है। संसार के सबसे नीडर जानवर होने के कारण ये लोग बहुत ही बुद्धिमान भी होते हैं। ये बेहद सोच समझ के शिकार करते हैं। शहद खाने वाली हनी गाइड की चिड़िया की आवाज सुनकर हनी बेयर तुरंत दौड़े चले आते हैं। वे तुरंत समझ जाते हैं कि मधुमक्खी का छत्ता कहीं आसपास ही है। ये चिड़िया के पीछे पीछे जाकर शहद को तोड़ लाते हैं। अगर जब हनी बेजर की बुद्धि को जानना है तो इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो साउथ अफ्रीका में फिल्माया गया था। यहाँ इस सुरक्षित स्थान में कई जानवरों के साथ हनी बेजरों को भी रखा गया है। गार्ड्स जो रहते हैं वो कुंडी को लगाकर कुंडी में कड़ा तार लगा देते हैं। ऐसा करने से अंदर का कोई भी जानवर बाहर नहीं आ पाएगा। लेकिन हनी बेजर को कैद में रखना बेहद ही चुनौती कार्य है। हनी बेजर को समझते देर नहीं लगी कि कुंडी खोलकर कैसे बाहर भागा जा सकता है। और कुंडी को खोलने के लिए कुंडी में फंसे तार को तो हटाना ही होगा। अपनी बुद्धिमानी के दम पर हनी बेजर तार खोल के तुरंत बाहर निकल जाता है। भारत के लगभग हर हिस्सों में हनी बेजर पाए जा सकते हैं। हालांकि अब इनका देखा जाना बेहद ही दुर्लभ हो गया है। पिछले कुछ दशकों के दौरान हनी बेजर को महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, मध्य प्रदेश राज्यों में ही देखा गया है। भारत में इस जीव का शिकार प्राचीन समय से ही होता जा रहा है। हनी बेजर का शिकार इनके मजबूत खाल के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में योद्धाओं के ढाल बनाने के लिए हनी बेजर की खाल का इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, हनी बेजर कुदरत की अनोखी और घातक संज्ञा है, जिसके कारण जानवरों के दम पे ये अलग ही स्थान रखता है।
So friends, if you like my video, please like, share and don't forget to subscribe. अगर जब आप ऐसी तरीके की वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. Thank you. Have a beautiful day.